आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धारा 144 क्या है और क्यों लगाई जाती है, उल्लंघन करने पर कितनी सजा है, जानेंगे ये सब कुछ। देश में कहीं भी अगर सुरक्षा को लेकर संदेह होता है तो उसके लिए धारा 144 लागू होती है। विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव या कोई भी चुनाव हो तब भी धारा 144 लगाई जाती है। साथ ही अगर कहीं हंगामा, हिंसा या दंगा होता है तो धारा 144 लागू की जा सकती है। इसके कारण लोगों को एक साथ रहने की आज़ादी नहीं है। तो आइए आज हम बताते हैं कि धारा 144 क्या है और इसे कौन लागू करता है, लागू होने पर लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या है धारा 144 और इसे क्यों लागू किया जाता है? आंसर, धारा 144 का मुख्य मकसद एक जगह पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने से रोकना है। सरकार इस धारा को तब लागू करती है जब लोगों के इकट्ठा होने का खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, धारा 144 क्या है और कब लगाई जाती है? आंसर, धारा 144 को लागू करने के लिए क्षेत्र के जिलाधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। सीआरपीसी की धारा 144 शांति बनाए रखने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। जहां सुरक्षा, स्वास्थ्य को खतरा या दंगों की आशंका हो वहां भी धारा 144 लागू होती है। जिस इलाके में धारा 144 लागू है वहां 5 या इससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। स्ट्रीम होने के बाद जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं। जिस इलाके में धारा 144 लागू है वहां हथियार ले जाने पर पाबंदी है। क्वेश्चन नंबर 3, धारा 144 का उल्लंघन करने पर सजा का क्या प्रावधान है? आंसर, किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से इकट्ठा पाया गया तो उस पर दंगा करने का मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम 3 साल की कैद हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या धारा 144 का मतलब कर्फ्यू है? आंसर, धारा 144 और कर्फ्यू एक ही चीज नहीं है। धारा 144 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है, दूसरी ओर कर्फ्यू लोगों को एक निश्चित अवधि के लिए घर के अंदर रहने का आदेश देता है। इसलिए अधिकारी एक निश्चित अवधि के लिए कर्फ्यू लगा सकते हैं। इसमें समय का बहुत महत्व होता है। हालांकि जरूरत पड़ने पर कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। यदि आप कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको स्थानीय पुलिस से पूर्व अनुमति लेनी होगी। कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को काम करने की अनुमति होती है। इस दौरान आवागमन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। कर्फ्यू के दौरान जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि धारा 144 से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें आपको बेहद पसंद आई होंगी और अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।